वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू पीएचडी इन्फोलॉग्स। और मैं इस मेरे सभी दोस्तों का और भाइयों का चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज मेरा मोटो व्लॉग का ये जो है फर्स्ट वीडियो है, और मोटो व्लॉग में आपको क्या क्या चीजें लगती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पहली चीज लगेगी एक कैमरा, एक्शन कैमरा, जिसमें की वीडियो स्टेबिलिटी और जिसका माइक क्लियरिटी अच्छा हो। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो हेलमेट पे, आपको ऐसा एक स्ट्रैप माउंट लगेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वो यूट्यूब पे आप देखोगे यहाँ पे एमसील लगा के भी वो यहाँ पे माउंट लगाते हैं, तो मैं एमसील नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रैप माउंट है ना, डिटैच होता है और बाद में मैं मेरे दूसरे हेलमेट पे भी लगा सकता हूँ किसी दूसरी बाइक के लिए मैं अगर हेलमेट ले रहा हूँ तो। तो ये आपको सेकेंड चीज लगेगी। और थर्ड चीज आपको लगने वाली है दोस्तों एक मोबाइल ऐप, एक वीडियो एडिटिंग ऐप चाहिए जिससे कि आप वीडियो एडिट कर सको। तो दोस्तों मैं 1080px@60fps पे गायरो स्टेबिलाईजेशन ऑन करके मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि 1080px@60fps का जो वीडियो है वो एंड्रॉइड मोबाइल के काइन मास्टर ऐप में इजीली एडिट होता है। उसको 1080px का वीडियो कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्ट एडिटिंग करना आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 4K वीडियो निकालते हो एक्शन कैमरा से तो आपको एंड्रॉइड में कन्वर्ट करके एडिट करना पड़ता है, तो ये थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग हो जाता है। तो वीडियो को मोबाइल ऐप में एडिटिंग करने के लिए दोस्तों ये लोग 1080px में वीडियो निकालते हैं, तो मैंने भी 1080px@60fps पे वीडियो निकाला है। तो कैमरा का फर्स्ट वीडियो और माइक टेस्ट है दोस्तों। वीडियो काफी लंबा हो चुका है लेकिन मैंने उसको कट किया है बीच में, बाकी टोटल रॉ फुटेज है, कुछ एडिटिंग नहीं किया है। और उसमें पुलिस ने एक दो जन को पकड़ा भी है, वो भी आ गया है सिग्नल पे, और मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे पुलिस का वैन है और पकड़ने वाला है, तो वो भी आप वीडियो में देखिए, मजा लीजिए। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये रॉ फुटेज है और कैमरा टेस्ट का वीडियो है, तो एकदम रॉ फुटेज ले रहा हूँ, कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं डे लाइट में घर वगैरह ऐसा दिख रहा है। और अभी निकल रहा हूँ मैं बच्ची की स्कूल में, तो वहाँ पे रास्ते पे इसका कैसे भी हुआ है, माइक का साउंड क्वालिटी क्या है वो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये अभी मैं फिलहाल घर पे हूँ तो साउंड प्रॉपर दे रहा है मेरे ख्याल से, या खराब दे रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो SJ Cam 6 Legend का सब लोगों को रिव्यू मिल जाएगा, प्रोडक्ट रिव्यू कि ये कैसा है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया पहले अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बताया था कि ये मैंने बाय किया था 10,500 में, और ये अभी कौन फ़ोन कर रहा है, ये एक्वागार्ड वाला फ़ोन कर रहा है, घर पे सर्विसिंग के लिए आ रहा है। इसका भी फर्स्ट सर्विस का मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि एक साल बाद ये लोग क्या करते हैं सर्विसिंग में। हाँ बोलो भाई। हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, एक सेकंड मेरे को खाली 5 मिनट दे दो, मैं अभी बाहर ही जा रहा हूँ, एक 15 मिनट में घर पर आऊँगा वापस। तो अभी बाइक पे जस्ट बैठ रहा था। अच्छा अच्छा चलेगा चलेगा, मैं देखता हूँ। चलो कब तक आ रहे हो? तो अभी चलते हैं सीधा बाइक पे, ये है अपना बाइक। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई ये कैमरा क्या है, काय का कैमरा है। ठीक है ये किया बाइक ऑन। और ये हमारी सोसाइटी का गार्डन है दोस्तों। अभी यहाँ पे थोड़ा सा विंड ब्लास्ट है हल्का फुल्का, आपको पता चलेगा कि विंड ब्लास्ट में माइक का साउंड कैसे दे रहा है। और वीडियो रिकॉर्डिंग है 1080px@60fps। तो ये मैं निकला हूँ मेरे बिल्डिंग के गेट से बाहर, आपको स्टेबिलाइजेशन वगैरह भी पता चलेगा क्योंकि गायरो सेंसर ऑन है इसमें। ठीक है, ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं रखा है मैंने गायरो सेंसर का, क्योंकि जब इसका अभी रात को टेस्ट करेंगे ना, तो जो गायरो सेंसर है दोस्तों वो रात के लाइट में अगर आप हाई रखोगे ना तो ब्लर कर देता है इमेजेस। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करोगे या वीडियो तो देखते रहोगे ना तो आपको पता चलेगा, नाइट वाला वीडियो मैं इसमें मिक्स नहीं करूँगा। नहीं तो चलो नाइट वाला भी डाल देता हूँ, देखते हैं अभी ये वीडियो कितना बड़ा होता है, तो वो बेस पे है। तो ये अभी मैं निकल लिया मेरे एरिया से थोड़ा सा बाहर। देखो लोग कैसे सोते सोते घर मतलब खड़े रहते हैं रास्ते पे, ध्यान भी नहीं देते इधर उधर। भाई ट्रक रिपेयर कर रहा है लेकिन आजू बाजू तो देख घर पे खड़ा है। और ये मेट्रो का काम चालू है इसलिए मस्त है कि यहाँ पे ट्रैफिक लगा रहता है, पहले ये ट्रैफिक वगैरह नहीं था इतना, अभी यहाँ पे आपको पूरा ट्रैफिक मिलेगा। और ये कार वाले भी बाइक की जगह पे डालने जाते हैं, रिक्शा वाले तो डालते ही है लेकिन कार वाले भी डालते हैं। देखिए अभी कितना ट्रैफिक है। साउंड क्वालिटी गाइस प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि
बाकी यूजर्स को भी पता चले जो कि बजट एक्शन का मेरा लेना चाह रहे हैं। बहुत कम जगह है चलाने के वादे, लेकिन मैं साइड साइड से निकल रहा हूँ। ठीक है, साइड से निकलते भी वक्त दोस्तों अभी ऐसा है कि कुछ बसेस है जो गवर्नमेंट ने, मतलब यहाँ पे कम व्हीकल्स पड़ रहे हैं, ट्रेन भी लिमिटेड चल रहा है मुंबई में, तो जो गांव में चलाने वाले हैं वो भी कुछ ड्राइवर्स यहाँ पे आए हैं, तो उनको यहाँ के ट्रैफिक का आइडिया नहीं है। तो मैं आपके सबके सेफ्टी के लिए बताता हूँ कि थोड़ा बहुत, मतलब उनको यहाँ का आदत नहीं है ट्रैफिक से, तो जब भी आप साइड से निकलते हो भाई तो उनको थोड़ा सा हॉर्न दे के निकालना, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कभी कभी कि आप साइड में हो। ठीक है, ये मैं अभी सिग्नल पे हूँ गोल्डन नेस्ट के, मीरा भाइंदर। ट्रैफिक का आवाज़ भी आपको पता चल जाएगा कितना है क्या है। तो ये कैमरा का साउंड कैप्चर करने का लिमिट आपको पता चलेगा इसमें। तो यहाँ पे मस्त पुलिस चौकी है, ट्रैफिक पुलिस का। आप यहाँ पे थोड़ा भी इधर उधर हो गए तो आपको घर ले जाए यहाँ पे पुलिस, काफ़ी अच्छा ध्यान रहता है इनका। तो गोल्डन से ट्रैवल करते हुए आपका सब पेपर्स वगैरह हमेशा ओके रहना चाहिए। मेरे को भी एक दो बार पकड़ा था, लेकिन मेरा पेपर सो के था तो कुछ हुआ नहीं। और चलो सिग्नल स्टार्ट हो गया फाइनली और मैं चल रहा हूँ। तो ये मैं बाहर वाले रास्ते से नहीं अंदर वाले रास्ते से जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी नाकाबंदी है और चेक करते रहते हैं यहाँ पर पुलिस। और ये मैं वो अभी 37 की स्पीड पे, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा भगा नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली 75-80 की स्पीड पे माइक का जो इंटरनल माइक है उसका क्वालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, आपको इस पर भी ठीक ठीक पता चलेगा, क्योंकि 35-40 के स्पीड पे तो हम लोग चलाते हैं, लेकिन जब भी हम लोग 80 की स्पीड पे जाएंगे ना तभी आपको विंड ब्लास्ट कितना है और माइक में से कितना बाहर साउंड आ रहा है वो पता चलेगा। क्योंकि मेन सब 75-80 की स्पीड पे हम लोग जब हाईवे पे चलाते हैं और मोटर ब्लॉगिंग करते हैं तभी पता चल रहा है। इधर वाली गली का ट्रैफिक चालू हो गया, और ये मैं हूँ फिलहाल SJ कैम लगाया हुआ, आपको दिख रहा हूँ आईने में। रिकॉर्डिंग चल रहा है तो शायद रिकॉर्डिंग का दूसरा लाइट आ रहा है ब्लू। आप देख पा रहे हो कैमरे में कि यहाँ पे ब्लू लाइट आ रहा है रेड लाइट के साथ, तो शायद वो रिकॉर्डिंग का लाइट रहेगा, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट ब्लॉग ही है ये। चलो यार अंकल कैसे चला रहे हो, सब भयंकर लोग हैं। और ये तो इतना एक्सट्रीम गड्ढे वाला रोड था, ये रोड को अभी थोड़ा सा सुधारा है, बहुत बेकार रोड था ये, अभी भी ये थोड़ा सा बेकार ही है। आप देख रहे हो झटके मिल रहे हैं, जिसको बैक पेन का वगैरह इशू है ना वो तो ऐसे रोड में चलाना उसकी बैक पेन में। और देखिए आपको रोड पे गड्ढे दिख रहे रहेंगे, देखिए ये गड्ढा, क्या पता नहीं किस तरीके का मटेरियल यूज करते हैं ये लोग, घटिया। देखिए ये इतना बड़ा गड्ढा है, आप यहाँ पे देख लो नीचे, मर जाएगा इसमें बाइक या कार भी गया तो। तो अभी मैं दोस्तों थोड़ा सा स्कूल के एरिया के पास में ही जा रहा हूँ, और स्कूल के यहाँ पे पहुँचूंगा तो मैं कैमरा ऑफ करने वाला हूँ, नहीं तो स्कूल वाले बोलेंगे भाई क्या है हमारा भी यूट्यूब पे डाल रहा है क्या रिव्यू। तो अपने को कोई स्कूल का रिव्यू नहीं डाल रहा है ना ऐड करना है स्कूल का, तो जस्ट मैं वहाँ पे जाऊँगा कैमरा बंद कर दूँगा, और जो बच्ची की वर्कशीट है, मतलब तो बच्ची की जो वर्कशीट है मेरी वो कलेक्ट करूँगा। ये है अपना होंडा हॉर्नेट दोस्तों, वो भी आपको बता देता हूँ, 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, एकदम स्मूथ बाइक है। मैंने होंडा हॉर्नेट स्पेशल एडिशन लिया था, देखिए रिक्शा वाले ने कमी लेने सिग्नल लाइट भी नहीं दिया था, अचानक से टर्न मार लिया। रिक्शा वालों से हमेशा बच के रहना भाई, अच्छे रहते सब लोग, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन यार तुम लोग सिग्नल तो दो। ये है स्कूल आ गया, अभी मैं कैमरा बंद करूँगा। ठीक है, यहाँ पर बाइक को पार्क कर देता हूँ मैं,
सो गाइस ये किया है मैंने कैमरा ऑन, और स्कूल से मैंने वर्कशीट वगैरह बच्चे की कलेक्ट कर ली है, और अभी जाएंगे हाईवे वाले रोड से ताकि आपको हाईवे का भी पता चले। बहुत मज़ा आता है मेरे को होंडा हॉर्नेट चलाने के लिए, एकदम स्मूथ बाइक है। इसके बाद अगर कोई KTM वगैरह मैं हाथ में लेता हूँ कभी किसी फ्रेंड का तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि KTM पे मेरे को KTM भी 125 है मेरे फ्रेंड का, तो बहुत वाइब्रेशन आते हैं उसके ऊपर। अभी की जो KTM है थोड़ी मतलब BS6 उसके इंजन थोड़े रिफाइन किए गए उन्होंने, और अभी आगे सिग्नल है, सिग्नल से मेरे को राइट लेना पड़ेगा। KFC मैकडोनल्ड्स बहुत सारे ऑप्शन है मीरा भाईंदर में, और कई सारे बाइक्स के शोरूम भी है, रॉयल इनफील्ड का भी शोरूम है यहीं पे रास्ते में। पिछले टाइम मैंने रॉयल इनफील्ड मीटियोर का वीडियो भी यहीं पे बनाया था जब ये लॉन्च हुआ था, तभी आप चैनल पे जाके देख सकते हो लॉन्च और डिलीवरी का। एक अंकल ने डिलीवरी लिया था, बहुत पहले बुकिंग करके रखा था उन्होंने, तो सुपर नोवा मॉडल का वो वीडियो था दोस्तों रॉयल इनफील्ड का। तो ये है डे ट्रैफिक में SJKM6 लेजेंड का वीडियो और वॉइस क्लियरिटी, बार बार मैं बोल रहा हूँ वॉइस क्लियरिटी, लेकिन दोस्तों मेजरली हम लोग कैमरा जो है वो वॉइस क्लियरिटी के लिए ही और वीडियो क्लियरिटी के लिए ही लेते हैं, और स्टेबिलाइजेशन मेन चाहिए, तो आपको 10,000 में ये कैमरा स्टेबिलाइजेशन दे देता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे आगे मस्त वैसे पुलिस खड़े हैं, अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो तुम्हारा तो गेम है, दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, दिख रहा है मस्त बड़ा सा वैन खड़ा है, ठीक है 39 सेकेंड्स 38 सेकेंड्स। ये देखो एक जन को मस्त धर लिया है पुलिस ने, ये लो इसका फोटो निकाल लिया, इसका काम भारी है अभी। लाइव फुटेज दोस्तों, लाइव फुटेज, ठीक है। और ये सिग्नल चालू हो गया, अपुन चले भाई, अपुन बच गए, ऊपर वाले ने बचा लिया, अपना गाड़ी राइट साइड में नहीं था, मैंने आपको पहले ही बताया था पहले सिग्नल पे, और जानबूझ के मैं रोड पे लेके आया ताकि आपको प्रॉपर रिव्यू मिल सके। वापस यहाँ पे 180 सेकेंड्स, बार बार मिनट आता है मुँह में, हर किसी को बोलते हैं ना हम लोग 10 मिनट 5 मिनट तो मुँह में मिनट आता है, तो जेब्रा लाइंस के पहले स्टॉप करूँगा मैं, हो सके उसका ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करता हूँ मैं, रूल्स तो अपने लिए बने हैं ताकि एक्सीडेंट्स ना हुए, एक दूसरे की जान बचे, एक दूसरे को कन्वीनियंट पड़े, तो मैं थोड़े से रूल्स फॉलो करने वाला बंदा हूँ, कभी कभी ब्रेक कर देता हूँ रूल, लेकिन जो है वो आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और बस अभी ऑलमोस्ट वीडियो ख़त्म होने आएगा दोस्तों, और एकदम रॉ फुटेज है, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं एडिट कर रहा हूँ, यहाँ तक मैंने बोलते हुए गलती भी की है बहुत बार, तो आपको वो गलती भी मिलेगी दोस्तों, तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सिर्फ कैमरा का रिव्यू वाला वीडियो मेरा फर्स्ट डाल रहा था, और ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है, तो भाई अपने भाई से दोस्त से गलती हुई रहेगी, तो माफ़ कर देना, क्योंकि एडिटिंग करके मैं अगर फर्स्ट व्लॉग डालूँगा तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं, यार लोग देख रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा आवाज़ बाहर जा रहा है क्या हेलमेट के, आगे वाला पीछे क्यों देख रहा था क्या पता, ये ब्लू हेलमेट वाला देख रहा था पीछे, और घर पे भी सब लोग बोलते हैं कि मेरा आवाज़ ना बहुत बड़ा है, ऐसा चिल्ला के क्यों बोलता है, तो शायद हो सकता है आवाज़ बाहर जाते रहेगा। कैमरा में दोस्तों जेब्रा लाइन भी शायद कैप्चर हो जाए अगर आप जेब्रा लाइन पे खड़े हो तो बेटर हो सके उतना रूल फॉलो करो, दूसरे को जो करना हो करने दो, जब तक एक नहीं पड़ेगा मैं नहीं निकालूंगा भाई, भाड़ में जाओ हॉर्न दो, बस हो गया। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे रूम लेके बहुत अच्छी चीज़ की है, क्योंकि रेट बढ़ेगा मेरे रूम का जब ही यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनेगा, तो ये लिया लेफ्ट और सीधा कॉम्प्लेक्स में घुस गए, ये वॉचमैन सिक्योरिटी खड़ा रहता है, किसको आने नहीं देता अंदर, और ये मेरा हमेशा का बाइक पार्क करने का जगह है जहाँ पे मैं बाइक लगा रहा हूँ,
हमेशा मतलब कोई फिक्स पार्किंग नहीं है हमारे यहाँ पे, कोई भी किधर भी लगा सकता है। तो ठीक है, मेन स्टैंड पे नहीं डाल देता, फिर वो हमेशा गंदी आदत है कि मैं मेन स्टैंड पे डाल लेता हूँ बाइक। और ये कोरोना की वजह से हमारे इधर का गार्डन बंद है, बच्चे गार्डन में है नहीं, तो बच्चे ऐसे ही बाहर खेलते हैं विंग्स में वगैरह, तो ये विंग के इधर यहाँ पे बच्चे वगैरह खेलते हैं।